तो रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी गुरुत्वपूर्ण अपडेट नहीं आज के भिडियोते विस्तारित आलोचना करब। तो संगे थकूँ भिडियो शेष पर्यंत देखुन चैनल नतून दर्शक अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर देवें। अपना अनेक के देखते ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी अपना देखते 56A दें बीटी रोड कोलकाता 7000050 अपना देखते जेटा रिक्वायर्ड नोटिस नंबर देवा रही है। ठीक है अपना देखते तपर जे प्रकाशित हो 12/2/2020 नोटिफिकेशन प्रकाशित हो तो राज्य सब जिला अपना आवेदन कर। ठीक है अपना देखते ग्रेड वन ग्रेड टू पोस्ट नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट विज्ञप्ति प्रकाशित हो 12/2020 साल नोटिफिकेशन प्रकाशित हो। तो की पोस्ट छो अपना देखते ग्रेड वन अपना देखते जूनियर असिस्टेंट तो टोटल शून्य पदर संख्या 49 टोटल शून्य पदर संख्या ग्रेड वन नॉन टीचिंग पोस्टे। तरह चले आसें नेक्स्ट ग्रेड टू अपना देखते नॉन टीचिंग पोस्ट रही है ग्रेड टू। तो कौन पोस्ट अपनी देखते जूनियर अटेंडेंट छिलो जूनियर गार्ड तपर सिक्योरिटी नायक छिलो फरेस्ट छिलो स्वीपर छिलो प्लम्बर छिलो प्लम्बर हेल्पर तपर जूनियर ड्राइवर लिफ्टमैन छिलो इलेक्ट्रिशियन छिलो टोटल शून्य पदर संख्या 67 अपनी देखते टोटल 67 टोटल शून्य पदर संख्या छिलो। तो कैटेगरी वाइज भाग कर देवा रही है। ठीक है अपना देखते तो तपर जो अपने रही है जूनियर असिस्टेंट पोस्टर शिक्षागत योग्यता छिलो उच्च माध्यमिक पास तो उच्च माध्यमिक पास करे थाकले अपना आवेदन करते पारबेन। ठीक है तो तारपर आपनार सैलारी आपनारा देखते पाच्छेन टोटाल आपनार जीपी रयेछे 3300 आपनार जीपी रयेछे 7200 थेके 25400। तो तारपर चले आसि जूनियर अटेंडेंट तारपर गार्ड रयेछे तारपर सिक्योरिटी नायक तारपर रयेछे स्वीपार। तो अष्टम पास शिक्षागत योग्यता छिलो तो आपनारा देखते 1800 जीपी छिलो। ठीक आछे तो तारपर प्लाम्बार हेल्पार तो आपनादेर अष्टम पास संगे आपनादेर दक्षता थाकते होबे सार्टिफिकेट थाकते होबे जूनियर ड्राइवर अवश्य आपनार सार्टिफिकेट थाकते होबे तारपर लिफ्टम्यान अवश्य आपनादेर जेटा आपनार सार्टिफिकेट थाकते होबे इलेक्ट्रिशियान सार्टिफिकेट थाकते होबे 2900 जीपी छिलो। ठीक आछे आपनारा देखते पाच्छेन आपनारा जारा एखोनो आमार ह्वाट्सएप ग्रुपे फेसबुक ग्रुपे और टेलिग्राम ग्रुपे जयन होननि तो बंधुरा आपनारा एखोनोई जयन हये जेते पारेन। तो ओखानेओ सब धरनेर चाकरिर खोराखोर आपडेट देवा हये थाके एबं जे कोनो परीक्षार प्रस्तुत करानो हये थाके। तो बंधुरा डिस्क्रिप्शन बक्स अवश्य चेक करबेन ओखानेई सब ग्रुपेर लिंक देवा रयेछे। तो तारपर चले आसछे नेक्स्ट तारपर जेटा एप्लीकेशन फर्म तो आवेदनेर लास्ट डेट छिल आपनारा देखते पाच्छेन 6/3/2020 तो 15/2/2020 थेके आवेदन स्टार्ट होयेछिल 6/3/2020 पर्यन्त आवेदन चलती। ठीक है अपनी देखते www.rbo.ac.in तो ये अपने 2020 साले तो बर्तमान एन 2022 तो मोटामोटी डेढ़ बचर ऊपर हो गए दो बचर बर्तमान चलते। ठीक है तो 6/3/2020 लास्ट डेट छो 18-40 बचर पर्यंत अपने बयस छो। ठीक है तो ऑनलाइन आवेदन करा तो यार जो अपने बर्तमान आज के अपडेट दीब जो अपने एग्जामिनेशन डेट प्रकाशित हो गए। ठीक है तो आशा करी सवार मोबाइले SMS चले तो एक SMS देखा तो अपना अनुसार देखते SMS चले अपना देखते QPRBURECतो एखान SMS टी एस तो प्लिज डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फॉर रिटेन एग्जाम 29/5/2022 फ्रॉम www.rburecruitment.net फॉर रिक्रुटमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट RBURECअपना देखते SMS टी एस तो 29/5/2022 तारीखे इनार एग्जामिनेशन रही है। ठीक है तो तरह चले आ रिक्रुटमेंट प्रोसेसे तो रिक्रुटमेंट प्रोसेसा कीरकम रही है अपना देखते तो प्रथम अपन रिटर्न एग्जामिनेशन हो तो रिटर्न एग्जामिनेशन डेट अलरेडी डिक्लेयर हो गए। ठीक है तो प्रथम तो रिटर्न एग्जामिनेशन हो दें अपने जो अपने स्टेज वन रिटर्न एग्जामिनेशन जो अपने 70 मार्कर हो फुल मार्क थको 70 MCQ टाइप क्वेश्चन थको तो स्टेज टू अपना देखते जो अपने इंटरव्यू हो नेक्स्ट। ठीक है तो रिटर्न एग्जामिनेशन हार पर इंटरव्यू हो इंटरव्यू मार्क थको अपने 30 तो 30 मार्कर इंटरव्यू हो। तो तपर चले आसि सिलेबासे सिलेबास अपना देखते ग्रेड वन अपना जरा आवेदन कर। ठीक है ग्रेड वन अपने की सिलेबास रही है तो ग्रेड वन अपना देखते तो ग्रेड वन वन अपन रिजनिंग रही है तपर जेनरल नलेज रही है तपर जेनरल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश तपर मैथमेटिक्स रही है तो माध्यमिक स्टैंडार्ड क्वेश्चन थक MCQ टाइप क्वेश्चन थक कम्पिटार नलेज कम्पिटार के प्रश्न थक। ठीक है तो तपर चले आसि जरा ग्रेड टू ते आवेदन करें अपना देखते रिटर्न एग्जाम से MCQ टाइप क्वेश्चन थको जेनरल नलेज तपर रिजनिंग थक बेसिक नलेज इन इंग्लिश तपर मैथमेटिक्स थको अपने 8 स्टैंडार्ड लेवल अपने क्वेश्चन थको। ठीक है तो ग्रेड वन ग्रेड टू अपने नॉन टीचिंग पोस्ट रही है तो मिनिमम मार्क क्वालिफाई मार्क्स अपने 50% 45% SC ST OBC A OBC B रही है। ठीक है तो अपने ये क्वालिफाई मार्को देवा रही है रिटर्न एग्जामिनेशन सम्पूर्ण डिटेल्स एखे देवा रही है। तो तपर चले आसि अपना क्यों ऑफिशियल साइट थे अपना निजे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते पारबेन तो प्रथम अपना ऑफिशियल साइट भिजिट करबेन अपना अनेक देखते RBURECRUITMENT.NET डाउनलोड एडमिट कार्डर ऑफिशियल साइटे चले आसबें। ठीक है अपना देखते रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी अपना देखते सम्पूर्ण डिटेल्स एखे देवा रही है तो साइटे आसार पर नीचे अपना एक स्क्रोल डाउन करबें तो साइटर लिंक देवा थाकबे डिस्क्रिप्शन बक्से ओखान थेके अपना सरासरि अपना ए पेजे अपना आसते पारबेन। तो प्रथम अपना देखते एप्लीकेंट्स मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर दिए अपना निजे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते पारबेन अथवा रेजिस्ट्रेशन नंबर दिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते पारबेन तारपर डेट अफ बार्थ दिवन
তো আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো প্রথমে আপনারা এখানে নিজের মোবাইল নাম্বার দিবেন, ঠিক আছে? তো আমি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। তো মোবাইল নাম্বার দেওয়ার পর তো মোবাইল নাম্বার এখানে দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? মোবাইল নাম্বার দেওয়ার পর তো রেজিস্টার নাম্বার আপনাদের দিতে হবে না। যদি আপনারা রেজিস্টার নাম্বার এখানে দেন তো আপনাদের মোবাইল নাম্বার দিতে হবে না, তো যে কোনো একটা, ঠিক আছে? হয়তো 2020 সালে আবেদন করেছিলেন, তো হয়তো আপনাদের বর্তমানে এখন রেজিস্টার নাম্বার বর্তমানে এখন আপনাদের মনে নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে? তো অবশ্যই আপনারা মোবাইল নাম্বার দিয়ে আপনারা নিজের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নেবেন। তো তারপর ডেট অফ বার্থ দিবেন। তো আমি ডেট অফ বার্থ বসিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো আমার ডেট অফ বার্থ বসা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো ডেট অফ বার্থ এখানে বসিয়ে দেবেন। বসানোর পর সাবমিট অপশন রয়েছে, তো সাবমিট অপশনে আপনারা এখানে ক্লিক করে দেবেন, ঠিক আছে? তো সাবমিট অপশনে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো এখানে আপনারা নিজের নাম এখানে শো করবে, ঠিক আছে? তো শো করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড অ্যাডমিট কার্ড ফর গ্রেড ওয়ান। তো এখানে আপনারা ক্লিক করবেন, ক্লিক করার মাত্রই আপনারা নিজের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আমি আপনাদের ডাউনলোড করে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা অনেকেই দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড হয়ে গেছে, তো রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি। তো সম্পূর্ণ ডিটেলস এখানে দেওয়া রয়েছে, প্রফেশনাল অ্যাডমিট কার্ড ফর গ্রেড ওয়ান। এমপ্লয়মেন্ট নোটিফিকেশন নাম্বার দেওয়া রয়েছে, রিপোর্টিং টাইম 10:30। তো এন্ট্রি আপনাদের 11:30, 11:30 পর আপনাদের এলাও হবে না, ঠিক আছে? তো রিটার্ন এক্সামিনেশন ডেট 29/5/2022 সানডে রয়েছে। তারপর রিটার্ন এক্সামিনেশন টাইমিং রয়েছে আপনাদের 11:00 থেকে 12:30, ঠিক আছে? তো সম্পূর্ণ এখানে নিজের অ্যাড্রেস এখানে শো করবে। তো তারপর আপনাদের এখানে আপনারা নিজের ছবি শো করবে, তারপর রোল নম্বর, তারপর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকবে এখানে দেওয়া। তো কোথায় আপনাদের এক্সামিনেশন হবে সেন্টার, তো এক্সামিনেশন সেন্টার ডিটেলস এখানে দেওয়া রয়েছে, ঠিক আছে? তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্ক্রিনে।